ये रहा इसका साइड का व्यू, क्या तगड़ा काम कर रहा है कसम से। यहाँ से पीछे से भी देखोगे ना तो ये जो ड्यूपर है, ये जो टीएनटी है, वो एक तरीके से इन्फेनाइट है। और अभी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक बार चेक करते हैं, मुश्किल से अभी 10-15 मिनट हुए हैं, बट एक सेकंड गाइस ये देखो। हेलो आप सभी का स्वागत है एक और नए एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज में। यस, मेरे वर्ल्ड में मैंने काफी कुछ बना ही लिया है, बट एक चीज अभी भी अधूरी है। हाँ, मेरे वर्ल्ड में यार कोबलस्टोन फार्म ही नहीं है। ये तो भाई मैंडेटरी होना चाहिए हर किसी के वर्ल्ड में, क्योंकि यार ऑब्वियसली कोबलस्टोन फार्म हर चीज आसान कर देती है, नहीं तो कौन जाता है यार तोड़ने कोबलस्टोन। मैं खुद नहीं जाता, मुझे तो बस पेटी में भरा भरा चाहिए और उसको लेके निकल लो गते। तो चलो यार जल्दी से बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है। तो जगह तो मैंने ये चॉइस किया है, खुला खुला अच्छा लगेगा, हर वक्त घर के अंदर सब कुछ नहीं करना होता है, तो बाहर भी करते हैं कुछ बढ़िया सा। तो ये वाला जगह थोड़ा यहाँ से मैं जल्दी से प्लेन कर देता हूँ और फिर मिलते हैं आपसे। A few inches later. तो फिलहाल इस जगह को मैंने क्लीन कर दिया है, और साथ ही जितने सामान हमें नीड होगी इस कोबलस्टोन फार्म के लिए वो सब मैंने पेटी में यहाँ पे रख दिए हैं। देखो ये सामान मैंने अंदाजे से रखा है, मेरे को प्रॉपर नहीं पता कि कहाँ कितना सामान यूज होने वाला है, तो फिलहाल अभी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये सामान मेरे को कलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो जल्दी से यहाँ से मैं सामान सारे उठा लेता हूँ, फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 3x6 का एक 1 लेयर खुदाई करना है, देन इसको तोड़ना है, फिर यहाँ पे एक एरो जैसा बनाना है शेप, तो मैं जल्दी से बना देता हूँ कुछ इस तरह। देन पीछे के साइड में हर कोने में स्लैब्स लगा दूंगा कुछ इस तरीके से। देन हर कोने के स्लैब्स के ऊपर मुझे यहाँ पे पानी डालना है, ताकि एरो के पॉइंट तक इसका पानी फ्लो होता रहे कुछ इस तरीके से। देन एरो के पॉइंट के सामने एक ब्लॉक तोड़ना है, उस पर हमें ट्रैपडोर लगाना है, ताकि यहाँ पे पानी का फ्लो यहीं पे रुक जाए। देन ट्रैपडोर के राइट साइड में एक गड्ढा बना देता हूँ, जहाँ पे हम सामान कलेक्ट कर सके। देन इस गड्ढे के मिडल में सामान को कलेक्ट करने के लिए मैं लाइन वाइज यहाँ पे चेस्ट वगैरह लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब हर पेटी के साइड में मैं होपर्स लगा देता हूँ, ताकि यहाँ से हम कलेक्ट कर सके अपने सारे कोबलस्टोन्स। देन होपर के साइड में यहाँ पे मैं ग्लासेस लगा दूंगा लाइन वाइज। अब क्यों मैं लगा रहा हूँ आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो चल गया पता, यस, वाटर डालने के लिए। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ ओक लीव्स। अब जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको फॉलो करना है, और ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है फिलहाल के लिए। तो अभी मैं हर ओक लीव्स को और 3 हाइट ऊपर ले जाता हूँ, ताकि ये पिलर जैसा लगे। तो हर जगह का कर लिया, बस बीच वाले को छोड़ के। उसके बाद हर ओक लीव्स के पिलर के अंदर मुझे यहाँ पे पानी भरना है, बीच वाले ओक लीव्स को भी मिला के, तो उसको मैं जल्दी से कर देता हूँ। तो अब आते हैं अपने लावा वाले काम पे। एक खाली जगह पे ब्लॉक रखना है, उसके ऊपर लावा डालना है, थोड़ी देर वेट करना है और यहाँ पे कोबलस्टोन बन जाएगा। फिर नीचे वाला ब्लॉक तोड़ना है, फिर वेट करना है, यहाँ पे दोबारा से कोबलस्टोन बन जाएगा। फिर ऊपर आके 2 डर्ट ब्लॉक लगाना है, नीचे वाले पे लावा डालना है, फिर ऊपर वाले पे भी लावा डालना है। देन नीचे आके यहाँ पे सारे डर्ट ब्लॉक्स को यहाँ से हटा देना है, ताकि का कोबलस्टोन यहाँ पे जनरेट हो पाए। तो हर गैप में मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, तो मैं जल्दी से कर देता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। A few moments later. Okay, तो ये लावा वाला काम तो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ जाता हूँ, क्योंकि मेन काम तो ऊपर का ही है। इस मशीन को मुझे ऑटोमेटिक बनाना है, तो ऊपर का काम पूरा मेन है। Okay, तो मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ आपको सेम एज इट इज करनी है। 2 ब्लॉक्स लगाए, यहाँ पे ऑब्सीडियन लगाया, और यहाँ पे ऑब्सीडियन के साइड में मुझे चारों तरफ ओक लीव्स लगा देने हैं, और उसके साथ ही साथ मुझे यहाँ पे पानी भी भर देने इसके अंदर, ताकि ये बिल्कुल भी जले ना कुछ इस तरीके से, समझ गए ना। देन यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना है इस साइड भी, और इसके सामने एक स्लैब भी। ऊपर आना है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर लगाना है, उसका पॉइंट आपकी तरफ होना चाहिए। देन उसी ऑब्जर्वर के पीछे एक और ऑब्जर्वर लगाना है, एंड अगेन आपकी तरफ ही पॉइंट होना चाहिए, और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर पीछे वाले ऑब्जर्वर के साइड में एक नोट ब्लॉक लगाना है, देन नोट ब्लॉक के आगे एक और ब्लॉक लगाना है, और ये दोनों डर्ट को यहाँ से मैं तोड़ देता हूँ। देन यहाँ ऑब्सीडियन के ऊपर एक और ऑब्जर्वर लगाना है, जिसका पॉइंट नीचे की तरफ हो कुछ इस तरीके से। फिर ऊपर आके यहाँ पे खाली जगह पे ट्रैप डोर लगाना है, और इसके ऊपर पानी डाल देनी है। ब्लॉक के आगे जहाँ पे हमने स्लैब लगाया था वहाँ पे एक पिस्टन रखना है, और उसके ठीक आगे एक और पिस्टन रखना है, जहाँ पे हम खड़े हैं उसके ऊपर स्लैब लगाना है, साथ ही साथ उसके राइट और लेफ्ट जगह पे भी लगा देना है। देन इस पिस्टन के सामने एक डर्ट, उसके साइड में ब्लॉक, इस डर्ट को तोड़ के यहाँ पे नोट ब्लॉक के ऊपर भी एक ब्लॉक, रेडस्टोन लगाना है कुछ इस तरीके से, फिर बीच में 3 डर्ट, ऊपर
ऑब्जर्वर, नोट ब्लॉक, फिर ऑब्जर्वर एंड अगेन पॉइंट आपकी तरफ होना चाहिए। देन नीचे आके उस तीन डर्ट ब्लॉक को यहाँ से तोड़ देना है। देन यहाँ पे ऑब्जर्वर के ऊपर एक डर्ट ब्लॉक लगाना है और डर्ट ब्लॉक के साइड में एक नोट ब्लॉक लगा के उसके नीचे एक ऑब्जर्वर लगाना है फिर से, जिसका पॉइंट नीचे की तरफ हो। फिर रेड स्टोन की तरफ आके एक ट्रैप डोर, उसके सामने ऑब्जर्वर और इस नोट ब्लॉक के ऊपर एक स्लैब। तो सबसे टॉप वाले नोट ब्लॉक के नीचे एक पिस्टन लगानी है, फिर पिस्टन के आगे एक स्लैब लगानी है और स्लैब को इस तरीके से जैसे मैं डिजाइन कर रहा हूँ वैसा करना है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा जब मैं डर्ट हटा दूं। देन यहाँ पिस्टन के ऊपर एक सैंड ब्लॉक रखना है और यहाँ पे एक क्लॉकवाइज रिपीटर लगानी है आपको, जिसका डिले आपको चौथे वाले पे रखना है, बस एक रिपीटर को छोड़ के जो कि है ये वाला। इसमें आपको तीन डिले रखना है और लास्ट वाला तो चार ही रहेगा और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देन आपको खाली स्पेस में रिपीटर के साइड में कुछ ऐसे ब्लॉक्स रखने हैं जैसा कि आप देख सकते हो। देन एट लास्ट आपको यहाँ रेडस्टोन की तरफ आना है, यहाँ पे आपको ऑब्जर्वर लगाना है और उसके साइड में टीएनटी लगाना है और इधर कोने की तरफ एक बटन लगा के नीचे लिवर लगा देना है और यहाँ पे हो जाता है आपका काम खत्म। तो गाइस यार हमारा फार्म कंप्लीट हो चुका है। इसको मैंने एक बार ट्राई दिया था बट जहाँ पे मैंने ऑब्सीडियंस लगाया ये जगह फट रहा था और सारे कोबलस्टोन नीचे गिर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने ऑब्सीडियन लगा दिया ताकि थोड़ा सही काम करने लग जाए। तो अभी इसको जल्दी से चालू करते हैं। यार देखो यहाँ पे बस इस लीवर को मुझे ऑन करना है, उसके बाद उस बटन पे दबाना है और फाइनली हमारा यहाँ पे मशीन बिल्कुल तगड़े तरीके से स्टार्ट हो चुका है। इसका ड्यूपर देखो ब्लास्ट होने लग चुका है और भाई साहब कितना तगड़ा यहाँ पे काम कर रहा है। बट यार इसको मैं जरा आपको साइड से दिखाता हूँ। ये रहा इसका साइड का व्यू, क्या तगड़ा काम कर रहा है कसम से। यहाँ से पीछे से भी देखोगे ना तो ये जो ड्यूपर है, ये जो टीएनटी है, वो एक तरीके से इन्फिनाइट है, कभी भी खत्म नहीं होगा जब तक आप इसे तोड़ना दो। और अभी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक बार चेक करते हैं। मुश्किल से अभी 10-15 मिनट हुए हैं बट एक सेकंड गाइस ये देखो काफी भर चुका है यार कसम से। दूसरी पेटी भी काफी भर गई है, तीसरी पेटी भी धीरे धीरे भर रही है बट आगे की पेटियां भी अभी भरेगी। बट यार ये मशीन बहुत मस्त बनी है, फिलहाल इसे बंद कर देते हैं क्योंकि मेरे को ज्यादा डैमेज पड़ रही है। हाँ तो भाई लोग ये कोबल स्टोन फार्म आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट में बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। आपका भाई मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।